नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी अभी एक कॉल आया हमें, नवनाथ शेवाड़े, इन्होंने कॉल किया। उनको एक रोड के बाजू में एक सांप दिखाई दिया, जो सांप रोड के ऊपर बार बार आ रहा है और नीचे जा रहा है, तो वो गाड़ी के नीचे मारा ना जाए इसलिए उन्होंने हमें कॉल किया उसको बचाने के लिए। दोस्तों वहां पर निकले, उन्होंने बताया कि रेड सैंड बोवा यानी मांडोल जो सांप है हमारे महाराष्ट्र में, जिसे मांडोल नाम से जानते हैं हिंदी में, दो मोवा सांप, जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां है, अफवाह है, उसके बारे में हम वहां पर जाने के बाद जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है आगे जाकर मैं मराठी में बनाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे फैन फॉलोअर है महाराष्ट्र के, वो चाहते हैं कि मैं एक वीडियो मराठी में बनाऊं। लेकिन दोस्तों सांप पकड़ने के बाद जब मैं मराठी में जानकारी दूंगा, उसके बाद उसको रिलीज करते हुए उसकी हिंदी में जानकारी दूंगा, ताकि बाहर राष्ट्र के भी लोग हमें उस सांप के बारे में सही सही जानकारी जान पाए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहिए। थोड़ा लाम लाम नाव ना कुठे कुठे येतो दिले व्हिडिओ काय ओ महाग चेक करतो मी तर मित्रांनो आपण पाहू शकता की हे जे आहे मांडूळ, महाराष्ट्रामध्ये याला मांडूळ नावाने ओळखतात। जे रस्त्याच्या बाजूला इथे आलं होतं नवनाथ शेवाळे, त्यांनी दोन तीन वेळा कॉल केला की सांगितलं हा साप जो आहे सतत रोडकडे येतोय आणि हा रोडवर जर आला असता तर एखाद्या गाडीच्या खाली हा मेला असता, जेणेकरून त्यांनी त्यांचं धन्यवाद देतो। त्यांनी फोन केला, याला आम्ही सेफ जागेवर जाऊन रिलीज करणार आहेत, सोडणार आहेत, आणि ते सोडताना जो व्हिडिओ आहे तो पण आम्ही या व्हिडिओमध्ये ॲड करणार आहेत। सावध नसतं तर आपण पाहू शकता हे जे मांडूळ प्रजातीचं साप आहे हे पूर्णपणे बिनविषारी असतं, याचं जे तोंड आहे आणि हे जे शेपूट आहे दोन्ही एक समान असतं, दिसायला एक समान दिसतं, त्याच्यामुळे काय होतं गैरसमज होतो की हा साप दोन तोंडे असावा, याचं नाव दोन तोंडे असं म्हटलं जातं, परंतु हा दोन तोंड्या नाही, बराचसा याच्याबद्दल जे आहेत अंधविश्वास आहेत। जसं आपल्याला माहिती असेल की लाखो करोडो या सापाचे मिळतात पैसे, तर असं काही नाही मित्रांनो, हे हा फक्त एक अंधविश्वास आहे। तर आपण या सापांना असं पकडून ठेवायचं नाही, जे लोक असं सापाला पकडून ठेवतात त्यांना म्हणजे बऱ्याचशा लोकांना केस झालेली आहे, विकण्याच्या प्रयत्नामुळे, तस्करी करण्याच्या प्रयत्नामुळे बऱ्याचशा लोकांना अटक झालेली आहे, त्याच्यामुळे असा काही प्रयत्न करायचा नाही। मुळात या साप पूर्णपणे बिनविषारी असतो आणि जे याच्यावर पैसे मिळतात ते पूर्णपणे गैरसमज आहे आणि अंधविश्वास आहे, यावर कुठल्याही प्रकारे कोण पैसे देत नाही। कारण आणि अजून एक मोठा अंधविश्वास आहे की या सापाचं काहीतरी औषध बनतं, काहीतरी औषध बनतं, त्यामुळे खूप सारे याचे पैसे मिळतात, तर हे पूर्णपणे चुकीचं आहे। तर मित्रांनो आता आम्ही याला एक सेफ जागेवर सोडणार आहेत। आणि अजून एक सांगतो माहिती की लोक म्हणतात हा साप जो आहे एक तोंडाने 6 महिने एकाच्या तोंडाने चालतो, 6 महिने इकडून चालतो, मुळात या सापाला एकच तोंड असतं, कुठल्याही प्रकारे हा साप 6 महिने इकडून 6 महिने इकडून चालत नाही, एकाच तोंडाने हात चालतो। ज्यावेळेस त्याला जमिनीत जायचं असतं, आपण पाहिलं की या ठिकाणी भुसभुशीत जमीन होती, त्या ठिकाणी हा शेपटीच्या साह्याने इकडे वळवळ करत होता, या तोंडाच्या साह्याने वळवळ करत होता, त्याच्यामुळे काय होतं दोन्ही साईड वळवळ करत असल्यामुळं असं वाटतं की हा दोन तोंडे आहे। तर याला पुन्हा एकदा सांगतो अशा सापाला दोन तोंड नसून एकच तोंड असतं आणि कुठल्याही प्रकारे याच्यावर पैसे भेटत नाही। तरी पण सापांना लोकांना असं वाटतं की साप तस्करी केल्यामुळं पोलीस पकडतात, कारण याच्यावर खूप सारे पैसे मिळतात म्हणून पोलीस पकडत असतील, असं नाही। जगातले जितके पण प्राणी आहेत, आपल्या भारत देशातले जितके पण प्राणी आहेत वन्यजीव प्राणी, साप याच्यावर सगळ्यांवर केस असते। तुम्ही साप कुठलाही साप घेऊन विकण्याचा प्रयत्न केला, त्याला मारण्याचा प्रयत्न केला, मारला तर तुमच्यावर केस होऊ शकते।
मित्रांनो आता आम्ही याला सेफ जागेवर सोडायला जात आहे. तो दोस्तों आपने देखा कल रात हमने दो मुहा सांप रेस्क्यू किया. आप देख सकते कि यहाँ पर हम इसको रिलीज करने के लिए आए हैं. हमारे जो सब्सक्राइबर है महाराष्ट्र के, उनकी विनती थी कि मैं एक मराठी में वीडियो बनाऊं. उनके लिए मैंने मराठी वीडियो बनाया. इस सांप के बारे में जानकारी दी मराठी में. हम यहाँ पर रिलीज करते हुए इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा हिंदी में. तो आप देख सकते हैं ये रेड सैंड बोवा, जिसे हिंदी में दो मुहा सांप, मराठी में मांडोळ, इंग्लिश में रेड सैंड बोवा. काफ़ी सारी भ्रांतियाँ अफवाहें इस सांप के बारे में है. लोग कहते हैं कि इसके लाखों करोड़ों पे मिलते हैं. ऐसा कुछ नहीं, ये बस अंधविश्वास है. मैंने हर वीडियो में बताया, बहुत सारे सांप ऐसे पकड़कर हमने रिलीज किए हैं. हर वीडियो में बताया है दोस्तों, ऐसा कुछ होता नहीं. ऐसा सांप अगर मिलता है तो आपने इसको पकड़ना नहीं है, फालतू में ऐसे सांप की जान चली जाती है. दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि इसके कुछ दवाई बनती है सेक्स पावर के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये बस अंधविश्वास है. ऐसे सांप, इस सांप से कोई भी दवाई बनाई जा सकती नहीं, क्योंकि ये बिना जहर वाला है, पूरा का पूरा बिना जहर वाला है. और दोस्तों एक और बड़ा अंधविश्वास है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सांप विदेशों में बिकता है, विदेशों में इसको पाला जाता है, इसको शुभ माना जाता है, वो घरों में रखते हैं. ये भी एक झूठ है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि अगर ऐसा होता तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सभी देशों के लोग वीडियो अपलोड करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा सांप का वीडियो YouTube पर दिखाई देता जो लोग पालते हैं विदेशों में. ऐसा कुछ होता नहीं, बस मैं ये इसको अंधविश्वास मानता हूँ. दोस्तों फिर एक बार विनती करना चाहूँगा कि दो मुहा सांप, इसको दो मुंह होते नहीं, इसका नाम दो मुहा है, क्योंकि ये जब जमीन में जाता है तो पूंछ की तरफ से कभी कभी जाता है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि पूंछ, इसको दो मुंह है, इसका पूंछ और मुंह समान दिखता है, जिसके कारण ये दो मुहा सांप नाम से जाना जाता है. लेकिन इसको दो मुंह होते नहीं. ये देख सकते आप, एक ही मुंह है, ध्यान से देखिए, ये इसका मुंह, इसकी आंखें छोटी होती है, और ये बहुत ही शांत स्वभाव का सांप है, बिल्कुल काटता भी नहीं और ये जहरीला भी नहीं होता. ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इसका मुंह है और आप देख सकते हैं ये अपनी जीभ भी बाहर निकाल रहा है. और ये जो पूंछ है ये भी कभी कभी मूवमेंट करता है, हिलता है, ये ऐसा हिलता है, तो जिसके कारण लोगों को लगता है इसको दो मुंह हो गए. तो ऐसा कुछ नहीं, अभी ये तो पूंछ उसका नोकदार नहीं है, कुछ कुछ का ऐसा नोकदार होता है, जिसके कारण ऐसा महसूस होता है कि ये भी, इसको भी, सॉरी इसको भी मुंह है. तो ऐसा कुछ नहीं, फिर एक बार बोल रहा हूँ कि दो मुहा सांप कभी होता नहीं. और जैसे कि गर्भ में हम इंसानों में कभी क्या होता है कि महिलाओं को ऐसे जो बच्चे होते हैं उसको दो मुंह आ जाते हैं बच्चे को, लेकिन वो बच्चा ज़्यादा दिन जीता नहीं. इसी तरह सांपों में कभी कभार अंडों से बच्चे जो बाहर आते हैं उनमें से कभी एक सांप को दो मुंह आ जाते हैं, तो वो सांप भी ज़्यादा दिन टिकता नहीं, जीता नहीं. तो ऐसा कुछ नहीं, फिर एक बार बोल रहा हूँ कि किसी भी सांप को दो मुंह होना असंभव है. और इस सांप के लाखों करोड़ों पे मिलना ये भी एक अफवाह है, अंधविश्वास है. इसको विदेशों में पालते हैं, ये भी एक अंधविश्वास है. बहुत सारे अंधविश्वास है. अगर आपको और कोई अंधविश्वास का बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए. दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको हम यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं. और दोस्तों इसके बारे में और वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखूंगा, आप वहां पर जाकर के भी इन सांपों की जानकारी ले सकते हो और भी वीडियो देख सकते हो कि हमने ऐसे सांप को, बहुत सारे सांपों को जंगल में, ऐसे फॉरेस्ट में जहां पर ये सांप जी सकते हैं अच्छे से, ऐसे एरिया में हम रिलीज किए हैं. दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर इस सांप को हमने रिलीज किया है. अगर कुछ आपको इस सांप के बारे में कुछ और पूछना हो तो पूछिए, अगले वीडियो में इसका जवाब दे दूंगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि दोस्तों आने वाले इसी तरह रेस्क्यू वीडियो और सांपों के बारे में सही जानकारी आपको मिलती रहेगी.